इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। शहर का सबसे प्रमुख थाना सिटी कोतवाली का अब अपराधियों में डर लगातार कम नजर आ रहा है। सिटी कोतवाली थाने से चंद दूरी पर ही अपराधियों ने एक लूट की वारदात को अंजाम दिया। भीलवाड़ा शहर के नागौरी गार्डन क्षेत्र में स्थित एक कोरियर कंपनी पर चार नकाबपोश लोगों ने लूट की नीयत से हमला कर दिया और उन्होंने लाखों रुपए की लूट कर ली। वहीं चार आरोपियों में से एक आरोपी को मौके पर मौजूद भीड़ ने दबोच लिया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एक युवक को डिटेन किया है और पुलिस अन्य बदमाशों की तलाश में जुट गई है। वहीं भागते हुए चारों आरोपी सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं। सीओ सिटी नरेंद्र दायमा ने कहा कि नागौरी गार्डन स्थित एक कोरियर कंपनी पर लूट की वारदात की सूचना मिली। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में सामने आया कि चार नकाबपोश लोगों ने लाखों रुपए की लूट कर ली। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ ने एक आरोपी को दबोच लिया और अन्य चार आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में सामने आया कि यह चारों आरोपी लोहावट के रहने वाले हैं। इस मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है और जल्द ही इसका खुलासा कर लेगी। समय करीब 4:45 बजे नागौरी गार्ड से किसी लूट की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर जाकर देखा गया एक कोई कुरियर कंपनी है उसके यहाँ से उसके पास में जो बैठने वाला जो लड़का है उसको धक्का मार करके और एक कमरे में बंद करके उसके यहाँ से राशि लूट करके और चार लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें से एक आदमी को वहाँ के लोगों ने आपस में मिलकर पकड़ लिया और तीन लोग भागने में सफल हो गए। तीन लोग जो भागे हैं उनके बारे में पता चला है कि ये लोहावट के रहने वाले हैं और इसके जो साथी हैं तो अभी उनके बाद में अनुसंधान में जारी है, जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई बता दी जाएगी। नहीं, अभी तक ये प्रथम दृष्टया ये हथियारों के बारे में बताया नहीं गया है कि कोई हथियार की नोक पे ये हुआ है या नहीं है, लेकिन फिर भी परिवादी को थोड़ी तसल्ली दे करके और अनुसंधान उन्हें किया जाएगा। संचालक स्वयं था या उनका कर्मचारी था? सर कर्मचारी। राशि कितने कुछ जानकारी मिली? अभी तक कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। जैसे ही सब चीज़ें व्यवस्थित होगी और परिवादी और उनके जो मालिक हैं उनके बारे में आया जाएगा तो बताया जाएगा। इसके बारे में अनुसंधान आगे किया जाएगा, जैसी भी सूरत होगी वो बता दी जाएगी। जिसका पैसा गया सर उससे पूछताछ तो की गई? हाँ, जो कर्मचारी है वो बता नहीं पा रहा है अभी, तो जैसे ही परिवादी आ जाएगा उसके जो ओनर आ जाएंगे उनसे जो अनुसंधान किया जाएगा तो कितनी राशि गई है वो डिटेल में उसी हिसाब से बताई जाएगी। उनसे बात की जा रही है, अनुसंधान किया जा रहा है, जैसा भी होगा और शीघ्र ही बताया जाएगा। नहीं, कोई गिरोह नहीं है सक्रिय इसमें, और जो वारदातें हो रही है उनके पीछे अनुसंधान किया जा रहा है। अगर गैंग के रूप में होती तो उनमें हर घटना पे एक अलग समानता पाई जाती, तीनों ही अलग अलग तरह की घटना है और उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो भी घटना हो रही है उनका त्वरित गति से अनुसंधान किया जा रहा है और पहले जो मर्डर हुआ था उसको भी खोला गया था और आगे इस वारदात को भी हमारे द्वारा शीघ्र ही टीम के साथ में कार्रवाई करके और खोला जाएगा।